हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस मई और जून के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, यस बैंक जल सुरक्षा कार्यक्रम किन राज्यों में शुरू करेगा? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा और राजस्थान राज्यों में। इसमें हरियाणा के 8 जिले शामिल होंगे और राजस्थान के 7 जिले। और इसका उद्देश्य किसानों के वित्त में सुधार, डिजिटल बैंकिंग संसाधनों का प्रभावी उपयोग और अच्छे कृषि प्रथाओं को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कितने भारतीय शहर शामिल है? तो इसमें आंसर आएगा 14 भारतीय शहर। और इसमें हरियाणा के 2 शहर शामिल है, एक गुड़गांव और एक फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का कौन सा शहर प्रदूषण के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है? तो इसमें आंसर आएगा फरीदाबाद। और पहले स्थान पर है कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार छात्राओं की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू करेगी? तो इसमें आंसर आएगा छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा की 16 वर्षीय शिवांगी पाठक ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। शिवांगी पाठक हरियाणा के किस जिले की रहने वाली है? तो इसमें आंसर आएगा शिवांगी पाठक हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है, और वह ऐसा करने वाली भारत की सबसे युवा महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने निफ्टम में इंक्यूबेशन सेंटर एवं खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किस जिले में किया? तो इसमें आंसर आएगा सोनीपत, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कैबिनेट ने मुख्य सचेतक को वेतन देने के लिए मंजूरी किस अधिनियम में संशोधन करके दी है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा विधानसभा अधिनियम 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पताया थाईलैंड में आयोजित हुई इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में 65 किलो भार वर्ग में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो इसमें आंसर आएगा नितिन ने, और नितिन उपमंडल इंद्री के गांव इंद्रगढ़ का रहने वाला है, और नितिन इससे पहले मुंबई में हुई एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मई को गुड़गांव किंगडम ऑफ ड्रीम्स में विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर हरियाणा की किन 2 मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी द्वारा किया गया? तो इसमें आंसर आएगा सेंट जॉन्स एम्बुलेंस इंडिया ऐप और रेडक्रॉस वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स ऐप। सेंट जॉन्स एम्बुलेंस इंडिया ऐप को जियो कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, जिससे व्यक्ति को यह पता चल जाएगा कि एम्बुलेंस कितनी दूरी पर उपलब्ध है, और रेड क्रॉस वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स ऐप की मदद से बिना समय गवाए सीधे रक्तदाता तक पहुंचा जा सकता है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, और रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 31 मई से गाजियाबाद को हरियाणा के पलवल से जोड़ने वाले किस एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए खोल दिया है? तो इसमें आंसर आएगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ओर से आयोजित एनएस कप चौथी पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने SL3 कैटेगरी के एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता? तो इसमें आंसर आएगा नितेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भर्ती परीक्षा में पहली बार सेना ने किस टेस्ट को शामिल किया है? तो इसमें आंसर आएगा मल्टी ड्रग टेस्ट को। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि हरियाणा में सेना ने फिजिकल परीक्षा के दौरान
दवाओं के गलत उपयोग की बजाय परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले ड्रग्स के प्रयोग पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया। आर्मी ने इसके साथ ही भर्ती के लिए आए अभ्यर्थियों को यह चेतावनी भी दी है कि टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और यह टेस्ट केवल उन कैंडिडेट्स पर किया जाएगा जो फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में संपन्न हुई एशियन कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में महिला पहलवानों ने देश के लिए 7 पदक जीते जिनमें 1 गोल्ड शामिल है। यह एकमात्र गोल्ड किसने जीता? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा के जींद की अंशु ने, और यह उन्होंने 61 किलोग्राम भार वर्ग में जीता। और इसके अलावा रोहतक की मानसी ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में देश के लिए रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता और बाकी 5 महिला रेसलरों ने देश के लिए कांस्य पदक जीता। उनमें हरियाणा की संजू ने 46 किलोग्राम भार वर्ग में, मीनाक्षी ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में, सिमरन ने 43 किलोग्राम भार वर्ग में और सोनम ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप में किसने चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता? तो इसमें आंसर आएगा बॉडी बिल्डर चंदन झा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार हरियाणा कैडर के किस आईएएस अधिकारी को मिला है? तो इसमें आंसर आएगा आईएएस युद्धवीर सिंह मलिक को। आईएएस युद्धवीर सिंह मलिक हरियाणा में 1983 कैडर के अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सिटी के नाम से फेमस गुड़गांव साइबर क्राइम के मामले में प्रदेश में किस स्थान पर है? तो इसमें आंसर आएगा पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट की बैठक में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन द्वारा रखे गए फ्रेट विलेज के प्रपोजल को मंजूरी दे दी गई है, ये फ्रेट विलेज कहाँ बनेगा? तो इसमें आंसर आएगा ये हरियाणा के नांगल चौधरी में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश में गेहूं व धान की फसल के अवशेष प्रबंधन के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा 1100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कौन सा होगा? तो इसमें आंसर आएगा मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई जो कि सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस विभाग में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों के लिए राहत राशि कितनी कर दी गई है? तो इसमें आंसर आएगा 30 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 650 नई बसें शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मंजूरी मिल चुकी है, इन बसों के शामिल होने के बाद हरियाणा के पास कितनी बसें हो जाएंगी? तो इसमें आंसर आएगा 5350, 5350 बसें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने फसलों के विविधीकरण प्रक्रिया के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसमें आंसर आएगा नीदरलैंड के साथ यह समझौता किया गया है। भारत के लिए नीदरलैंड व्यापार मिशन के अंतर्गत नई दिल्ली में आयोजित किसानों की आय दोगुनी करना वह इंडो डच साझेदारी सेमिनार में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री श्री मार्क राट और हरियाणा के कृषि व किसान कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ की उपस्थिति में ये समझौते हुए। कृषि, पशुपालन व डेयरी, मत्स्य पालन, बागवानी व फूलों की खेती में उन्नयन के लिए हरियाणा व नीदरलैंड अब मिलकर कार्य करेंगे और कृषि क्षेत्र में सक्षम जल प्रबंधन, खारे पानी का उपयोग, उप सतह जल निकासी व जल निकायों की पूर्ण स्थापना में पारस्परिक सहयोग किया जाएगा। फसलों के अवशेषों को जलाने की प्रक्रिया को कम करने की दिशा में भी अवशेषों के वैकल्पिक उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा और हरियाणा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फूलों की मंडी स्थापित करने के लिए भी नीदरलैंड हरियाणा का सहयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस वरिष्ठ बीजेपी नेता को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो इसमें आंसर आएगा सिरसा के प्रोफेसर गणेशी लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद जिले के
धारणी ढुलट के रहने वाले किस पर्वतारोही ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया? तो इसमें आंसर आएगा नवदीप बाजिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सिरसा के जोरण नाली गांव में जन्मे 95 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय बांसुरी वादक का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? तो इसमें आंसर आएगा उनका नाम है बाबा काशीनाथ, और वे एक जोगी परिवार से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किन दो पुलिस अफसरों को एडिशनल डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा आईपीएस आलोक मित्तल और आईपीएस अश्विंदर चावला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश की पहली ए प्लस ग्रेड व कैटेगरी वन यूनिवर्सिटी की सूची में किस यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध करवाने के लिए किस नियम को अधिसूचित किया है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा नीट आईआईटी व जेईई की तैयारी के लिए राज्य के मेधावी विद्यार्थियों के लिए कौन सा कार्यक्रम के तहत पंजीकरण शुरू किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा सुपर 100 कार्यक्रम के तहत। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित बोर्ड की परीक्षा में 80% से अधिक अंक लेने वाले विद्यार्थियों के लिए लिंक जारी किया गया है। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलते समय खिलाड़ियों को अक्सर चोट लगती रहती है, लेकिन खेल के समय जब वे चोटिल हो जाते हैं तो उन्हें इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, और खिलाड़ियों की इसी दिक्कत को समझते हुए हरियाणा सरकार ने कहाँ स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर खोलने का निर्णय किया है? तो इसमें आंसर आएगा स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर PGI रोहतक में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश अब कौन होंगे? तो इसमें आंसर आएगा जस्टिस कृष्ण मुरारी। न्यायाधीश SJ वाजिफदार की रिटायरमेंट के बाद न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किन महिलाओं के लिए शुरू की गई है? तो इसमें आंसर आएगा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इसमें आंसर आएगा 6,000 रुपये, और इसका मुख्य उद्देश्य है नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर में कमी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने 1 मई 2018 को कहां से गोबर धन योजना यानी गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक जैव कृषि संसाधन योजना शुरू की है? तो इसमें आंसर आएगा राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम करनाल हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस देश की तर्ज पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे? तो इसमें आंसर आएगा थाईलैंड की तर्ज पर, और ये सेंटर इसी साल नवंबर दिसंबर तक खोले जाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के किसानों ने कुरुक्षेत्र में मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का दौरा किया? तो इसमें आंसर आएगा अफगानिस्तान के किसानों ने। इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है कि देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो इसमें आंसर आएगा कुरुक्षेत्र के गांव रामनगर में, यह पिछले साल स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है मधुमक्खी पालन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल में बनने वाली मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम क्या रखा जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, और इसके लिए 14 मई को सरकार ने एक पत्र जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले पिता पुत्री जो हरियाणा के रहने वाले हैं वे कौन है? तो इसमें आंसर आएगा वे हैं अजीत बजाज और उनकी 24 वर्षीय बेटी दिया बजाज, और ये गुड़गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने एवरेस्ट पर पहुंचकर तिरंगा फहराया और एक साथ यह कारनामा करने वाले वह पहले पिता पुत्री हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ शुरू की गई? तो इसमें आंसर आएगा फतेहाबाद के गांव बिरडाना से, और सैनिटरी पैड यूनिट कॉमन सर्विस सेंटर बहल बोमिया व रामपुरा द्वारा स्थापित की गई है, और यह बायोडिग्रेडेबल पर्यावरण हितैषी सैनिटरी पैड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसराइल के ताला ग्रुप का मुख्यालय कहां पर है? तो इसमें आंसर आएगा ताला ग्रुप का मुख्यालय गुड़गांव में है, और यह पूरे भारत में मेगा परियोजनाएं चला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मई 2018 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने 23 एकड़ में 20 करोड़ से बनने वाले चालक प्रशिक्षण केंद्र निर्माण का शिलान्यास किया, यह कहां स्थित है? तो इसमें आंसर आएगा यह पेगा गांव जींद में स्थित है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।